नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा विषय है न्यूज एजेंसी। जी हां, आज हम चर्चा करेंगे समाचार समिति के बारे में। समाचार समितियां क्या होती हैं, ये किस प्रकार कार्य करती हैं और समाचार जगत में इनका क्या महत्व है। प्रिय विद्यार्थियों, समाचार समितियां समाचारों का संकलन करती हैं, समाचार लेखन करती हैं और उसके बाद अपने सब्सक्राइबर्स को समाचार डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उसका वितरण करती हैं। समाचार समितियों के जो ग्राहक होते हैं या न्यूज एजेंसीज के जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, इनमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स, न्यूज पोर्टल्स या दूसरी जो सरकारी एजेंसियां होती हैं, ये ग्राहक होती हैं समाचार समितियों की। समाचार समितियों में जो लोग काम करते हैं, जो रिपोर्टर्स काम करते हैं, जो न्यूज़ रिपोर्टर काम करते हैं समाचार समितियों में, उनका काम हूबहू वैसा ही होता है जो समाचार पत्रों में काम करने वाले रिपोर्टर्स का होता है। यानी समाचारों की प्लानिंग करना कि कैसे उनको कवर करना है, फिर उनको कवर करना और उसके बाद न्यूज़ राइटिंग के बाद उन्हें अपने ग्राहकों को या अपने सब्सक्राइबर्स को भेज देना। न्यूज़ एजेंसी को वायर सर्विस, न्यूज़ वायर और न्यूज़ सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। यानी अलग अलग जगह कई बार इनको इन नाम से भी जाना जाता है। न्यूज़ एजेंसी जो होती है उसका जो नेचर ऑफ वर्क है बहुत फास्ट है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जिस प्रकार समाचार पत्र के जो रिपोर्टर हैं वो समाचारों को कवर करते हैं, ठीक इसी प्रकार समाचार समितियों में काम करने वाले रिपोर्टर भी समाचारों को कवर करते हैं, अलग अलग इवेंट्स को, हार्ड न्यूज़ कवर करते हैं, साथ ही अलग अलग सॉफ्ट स्टोरी पर भी काम करते रहते हैं। लेकिन जो न्यूज़ एजेंसी का नेचर ऑफ जॉब है वो बहुत ही फास्ट है, स्पीडी वर्क करना पड़ता है वहाँ पर, और इस साथ साथ स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी का भी ख्याल रखना पड़ता है, जो कि जर्नलिज्म में बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि समाचार समितियाँ जो हैं वो समाचार कवर करती हैं और अपने सब्सक्राइबर्स को उसको सेल करती हैं, उसको देती हैं समाचार, और उसके बदले में उनको पेमेंट मिलता है। तो जो समाचार समिति जितना फास्ट काम करेगी, जिसका काम जितना स्पीड से होगा, जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ का कॉन्सेप्ट है कि जो जितना जल्दी अच्छा काम करेगा और उस काम में तथ्य भी होना चाहिए, एक्यूरेट भी होना चाहिए, तो उससे उतने ही ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जुड़ेंगे, यानी उतने ही ज़्यादा समाचार पत्र पत्रिकाएं उस पर्टिकुलर एजेंसी से समाचार लेंगी और उतनी ही ज़्यादा पॉपुलर वो समाचार समिति हो जाएगी। आपने भी नाम सुना होगा और देखा भी होगा समाचार पत्रों में, जब किसी समाचार के साथ लिखा होता है कि AP या AFP, PTI, रॉयटर, UNI, या आपने अगर न्यूज़ चैनल आप देखते हैं तो वहाँ पर आपने सुना होगा कई बार कि एजेंसी के हवाले से खबर है, या उस एजेंसी का नाम भी कई बार लिया जाता है कि PTI के अनुसार ये है, जब न्यूज़ रिपोर्टर अपनी बाइट में बोल रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो खबर है वो किसी एजेंसी से उस समाचार चैनल को मिली है। ठीक इसी तरह समाचार पत्र जब आप पढ़ते हैं तो समाचार पत्र में भी उस एजेंसी का नाम लिखा होता है क्रेडिट लाइन में कि ये उस एजेंसी की खबर है। आइए अब कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समाचार समितियों की नेचर और उनकी फंक्शनिंग को समझने का प्रयास करते हैं। समाचार समितियों का जो नेटवर्क होता है वर्ल्ड वाइड होता है, यानी दुनिया भर में समाचार समितियों के ब्यूरो ऑफिस होते हैं, इनके रिपोर्टर काम करते हैं, खबरों को कवर करते हैं। समाचार पत्र इतना खर्च उठाने में सक्षम नहीं होते कि हर देश में उनके रिपोर्टर हैं या हर जगह से वो खबरें अपने रिपोर्टर के जरिए मंगवा सकें। इसलिए जो क्षेत्र विशेष के समाचार पत्र होते हैं, जैसे हिंदुस्तान से जो समाचार पत्र निकलते हैं, उनके हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में ब्यूरो ऑफिस होते हैं, रिपोर्टर भी काम करते हैं, लेकिन दुनिया के हर कोने में वो रिपोर्टर नहीं रख सकते या ब्यूरो ऑफिस को एस्टेब्लिश करना बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए जो समाचार समितियाँ हैं जिनका वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है, इसलिए वहाँ से वो समाचार जो है समाचार समितियों से लेते हैं और इनके बदले उसको पेमेंट करते हैं। अब अक्सर देखते होंगे जो इंटरनेशनल न्यूज़ हैं जो समाचार पत्रों में प्रकाशित होती हैं या समाचार चैनलों में जो प्रसारित होती हैं, वो ज़्यादातर खबरें जो समाचार पत्र या समाचार चैनल हैं वो समाचार समितियों से ही लेते हैं। जो एक समाचार समिति है उसका जो एफिलिएशन है या वो जो समाचार देते हैं उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत होते हैं, बहुत से समाचार पत्र और समाचार चैनल एक ही साथ होते हैं, इसलिए उस वो जो न्यूज़ देती है समाचार समिति वो न्यूज़ एक ही होती है, लेकिन सेम न्यूज़ या सेम फोटोग्राफ या वीडियो फुटेज जो है वो अपने अलग अलग सब्सक्राइबर्स को देते हैं, लेकिन जो कंटेंट है वो उसका सेम रहता है। देन न केवल समाचार, जैसा कि हमने बताया, जैसे समाचार चैनल या रेडियो के लिए भी वो कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं या समाचार सामग्री उपलब्ध करवाते हैं जिसमें न्यूज़ हैं, स्पेशल कॉलम्स हैं, एनालिसिस फोटोग्राफ्स हैं, वीडियो टेप हैं, ऑडियो टेप या इंटरव्यूज़, ये भी समाचार समितियाँ अपने सब्सक्राइबर्स को उपलब्ध करवाती हैं। इसी तरह जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो जनरल न्यूज़ एजेंसीज़ होती हैं जो सारी खबरें कवर करती हैं, हर तरह की खबरें कवर करती हैं, जैसे एसोसिएटेड प्रेस है, PTI है, इसमें चाहे धार्मिक खबरें हैं, राजनीतिक खबरें हैं, सांस्कृतिक खबरें हैं, तो बहुत सी न्यूज़ एजेंसीज होती हैं जो जनरल न्यूज़ एजेंसी होती हैं। साथ ही कुछ ऐसी भी न्यूज़ एजेंसी हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया की खबरें कवर करती हैं, रिलीजियस है या स्पोर्ट्स है, तो दोनों तरह की न्यूज़ एजेंसीज होती हैं।
जनरल न्यूज एजेंसीज भी होती हैं, स्पेसिफिक न्यूज एजेंसीज भी होती हैं। जहाँ तक समाचार समितियों में करियर की बात है जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए, तो जैसा कि हमने बताया समाचार समितियों में भी न्यूज रिपोर्टर्स काम करते हैं, फोटो जर्नलिस्ट काम करते हैं। बस फर्क ये होता है समाचार पत्रों और समाचार समितियों में कि समाचार समितियों में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उनको काम करना होता है, बहुत ही एक्टिव और बहुत शार्प माइंडेड लोग वहाँ पर चाहिए होते हैं जो बहुत फास्ट तरीके से काम कर सकें। और साथ ही अलग अलग देशों में काम करना पड़ता है तो उन डिमांड रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं पर उनकी पकड़ हो और टेक्नोलॉजी की उनको अच्छी समझ हो, तो बहुत ही स्पीडली और एक्यूरेसी के साथ वह काम करना पड़ता है। तो जो विद्यार्थी समाचार समितियों में काम करना चाहते हैं अगर उनमें ये सारी खूबियाँ हैं तो वो समाचार समितियों में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों आज हमने चर्चा की समाचार समितियों के बारे में कि किस प्रकार समाचार समितियाँ समाचारों का संकलन करती हैं और अपने सब्सक्राइबर्स को समाचार भेजती हैं। इसी तरह के कुछ और विषयों के साथ हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास्कोम जंक्शन। धन्यवाद।